समर सीजन आ गया है, लेकिन आइसक्रीम वाला आपकी कॉलोनी में रोज आए ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है। तो ऐसे में जब आपका मन करे कि कुछ ठंडा खाए, तो चलिए ये बनाते हैं। एक कप में 1/2 टीस्पून कर्ड डालें, इसे अच्छे से मिला लें। उसके बाद हमें इसमें ल्यूक वार्म मिल्क डालना है और इस तरीके से हमें मिल्क डाल देना है दोनों कप में। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है। अब हमें इसको मिक्स कर देना है ताकि जो कर्ड मैंने डाला था वो पूरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलाना है, लेकिन उसे हमें मिक्स कर देना है। मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें ढक देना है। और गर्मियों का मौसम है तो हम इसे ढक करके 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 घंटे के बाद हमें इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है। और फिर जब तेज़ धूप हो और हमारा मन आइसक्रीम खाने का हो, तो हमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपली अपने फ्रिज को ओपन करना है और उसमें से ये ठंडा ठंडा सा दही आइसक्रीम निकालना है। मैं यहाँ पे थोड़ी देर से फ्रिज में रख दी थी, ये ठंडा हो चुका है। ओह माय गॉड, ये गिरने वाला था। उसके बाद हमें सिंपली इसके ऊपर शक्कर या जो चीनी होती है उसे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लेना है। और हमारी ये होममेड आइसक्रीम दही तैयार है। आप इसे बनाएं और अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। हैप्पी समर, हैप्पी समर फूड। और मैं यहाँ पे चीनी डाल रही हूँ इसमें। अगर आप चाहें तो इस पे जो शक्कर होती है वो भी डाल सकते हैं। और इसका टेस्ट बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है और ये हेल्दी भी होता है बहुत। कहा जाता है कि दही बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है।